चंबा विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक बड़े भाई पवन नैयर जी, मेरे बहुत ही करीबी मित्र छोटे भाई भरमौर विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक आदरणीय श्री जियालाल जी, हमारे वरिष्ठ नेता चंबा जिला भारतीय जनता पार्टी के डीएस ठाकुर जी, डिप्टी कमिश्नर विवेक भाटिया जी और जितने प्रमुख अधिकारी यहाँ पे मौजूद हैं और भारतीय जनता पार्टी मंडल के अध्यक्ष, उनकी पूरी टीम, सभी सम्मानीय पत्रकार मित्र और सभी सम्मानीय जितने कि सब आप लोग यहाँ बैठे हैं, आप सबको नमन करता हुआ, आप सबने यहाँ पर आके स्वागत किया, आशीर्वाद दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, ये जो स्टेडियम का शिलान्यास आज हमने रखा है, ये अपने आप में एक ऐतिहासिक स्टेडियम बनेगा और कोशिश ये है कि हम इसको प्रीफैब के माध्यम से एक साल के अंदर तैयार करने का प्रयास करेंगे। तो मुझे पूर्ण उम्मीद है कि जब प्रयास सच्चे दिल से होता है तो परिणाम भी वैसे ही आते हैं। अगर हम इसको वैसे बनाने का प्रयास करें तो कई साल लग जाएंगे। और स्टेडियम्स का इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में मेजर नैयर साहब भी यहाँ पे बैठे हैं, बहुत बड़ा योगदान है आपका मेजर साहब क्रिकेट के लिए और आपके बेटे का। और स्टेडियम्स के लिए अब हमने ये फैसला किया है साई के साथ, जितने भी हम स्टेडियम्स बनाएंगे वो सारे प्री फैब के माध्यम से बनाएंगे और 10 महीने के अंदर एक स्टेडियम को हमने तैयार करना है। तो हम 12 महीने का समय दे रहे हैं, एक साल के अंदर अगर सब कृपा रही भोलेनाथ की तो अगले साल दिसंबर से पहले मैं चंबा में आकर इस स्टेडियम का उद्घाटन करके जाऊंगा, ताकि चंबा के युवाओं को एक ऐसा स्थान मिल जाए। इस स्टेडियम के माध्यम से हम इंडोर बास्केटबॉल भी कर सकते हैं, वॉलीबॉल भी कर सकते हैं, कबड्डी भी कर सकते हैं, रेसलिंग भी कर सकते हैं और इंडोर बैडमिंटन भी हो जाएगा, इंडोर टेबल टेनिस भी हो जाएगा और इंडोर छोटे बच्चों के लिए जूडो, कराटे और मैटिंग भी हो जाएगी। सारे के सारे खेल जो है चंबा के लिए इस स्टेडियम के अंदर आएंगे। और इस स्टेडियम की 2200 लोगों की बैठने की कैपेसिटी है और इसकी हाइट जो है वो 55 फीट ऊंची होगी और 2200 लोग इसमें बैठ पाएंगे। और ये 8 करोड़ रुपया हमारा, 8 से 10 करोड़ के बीच में खर्चा इस स्टेडियम के निर्माण में आएगा। जैसे पवन जी ने कहा और ये सच्चाई है कि विधानसभा के अंदर पवन नैयर जी बार बार इस प्रश्न को उठाते रहे, बार बार इस बात को लेकर आते रहे और बार बार इस बात की लड़ाई लड़ते रहे। विधानसभा के अंदर लड़ते तो हर चीज़ के लिए, छोटे से छोटे रास्ता हो तो उस रास्ते के पीछे ऐसे पड़ते हैं कि जब तक पैसे मिल ना जाए तो हमारी क्लास ही नहीं करते। कई बार तो पवन जी को देख के डर लगता है कि पता नहीं आज कहे कपड़े पहनने, छोड़ते नहीं है, पीछे पड़ जाएंगे कि मेरा कराइए रे बहू, अभी करा के दे बहू, मैं भाई छठा करा जानते हो क्लासी करो, नहीं जी अभी दे। और इतनी मेहनत और इतनी लगन के साथ अपने विधानसभा की लड़ाई लड़ते हैं कि ये कमाल की बात है कि मेरे कई विधायक देखे, मेरा छोटा भाई भरमौर का जियालाल भी यहाँ बैठा हुआ है, पर जियालाल भी मानेगा इस बात को कि जितनी लड़ाई पवन नहीं और विधानसभा में लड़ता है शायद ही कोई विधायक लड़ता हो अपने छोटे छोटे काम के लिए। हर आज आपके माध्यम से मैं केवल आपको यही विश्वास दिलाने आया हूँ, पवन जी का कोई काम नहीं रुकेगा, जो जो काम पवन जी मांगेंगे, जो जो काम ये मांगेंगे वो काम इनके पूरे किए जाएंगे। मुख्यमंत्री जी के बड़े खास विधायकों में से एक विधायक पवन जी, और वैसे भी हमारे मुख्यमंत्री की खासियत है कभी किसी को ना नहीं करती, जो भी उनके पास गया कभी खाली हाथ लौट के नहीं आया। और ये भी सच्चाई है कि पहली बार हुआ है कि करोड़ों के हिसाब से मुख्यमंत्री राहत कोष से जो है गरीब आदमी की मदद हुई है, गरीब लोगों के लिए हर संभव प्रयास हमने किए। आजकल एक नशे का बड़ा दौर चला हुआ है और ये नशा जो है अगली पीढ़ी को बेड़ा कर रहा है, खत्म कर रहा, समाप्त कर रहा। और ये खेल कूद एक ऐसा और व्यायाम एक ऐसा क्षेत्र है जिसके माध्यम से अगर हमारे बच्चों को अगर जिम्स के माध्यम से, स्टेडियम्स के माध्यम से खेल कूद की व्यवस्था हो जाए तो बच्चा जो इस उम्र में उसका ध्यान नशे की तरफ नहीं जाएगा, वो अपने शरीर की तरफ जाएगा। जब उसका ध्यान शरीर की तरफ जाएगा वो गलत काम में नहीं पड़ेगा और इस तरीके से हमारा आने वाली पीढ़ी, अगली पीढ़ी बच सकती है। हम रूरल डेवलपमेंट के साथ मिलकर काम कर रहे हैं और पवन नैयर जी जैसे जैसे हमें डिमांड देंगे तो 10 जिम मैं आपको तुरंत इशू कर दूंगा।
ताकि आप अपने गांव में, ये तो आपका शहर के लिए हो गया ना, गांव के अंदर आप जिम लगाइएगा, छोटा जिम आपको देंगे, पूरा पैकेज बना के देंगे, 10 जिम जब आपके लग जाएं तो उसके बाद मुझे बताइएगा, फिर 10 जिम आपको और देंगे, ताकि 2 साल में सारी पंचायतों में आपके जो जिम है वो छोटे छोटे लग जाएं। ये छोटा जिम है, 3.5-4 लाख रुपए का हमें जिम पड़ता है, और इसके अंदर पूरा वेट लिफ्टिंग का सेट और सारा सामान है, एक मशीन आती है इसके अंदर, वो सारा का सारा छोटा किसी वरांडे में किसी छोटे कमरे में ये लग जाता है, और बच्चों के लिए हर एक किस्म का व्यायाम करने के लिए पूरा उपलब्ध जिम रहता है। हमने इसका काम अभी शुरू किया है, आस्ते आस्ते इसको बढ़ा रहे हैं, और जैसे पवन नैयर जी, दो ग्राउंड मुझे आप बताएंगे तो दोनों ग्राउंड के लिए 20-20 लाख रुपए हम आपको तुरंत जो है वो इशू करेंगे, ताकि मुख्यमंत्री खेल प्रयोजन योजना के तहत भी हम उन ग्राउंड का निर्माण करना शुरू करेंगे, और ये स्कीम भी आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने हमें पिछले बजट में दी थी, और इस बजट में हम उसका आगे उसको बढ़ा रहे हैं, 15-15 लाख रुपये तुरंत हम देते हैं, कुछ पैसा एक्स्ट्रा इसमें देते हैं, और ये भी हम कोलैबोरेशन जो है पंचायती राज के साथ करते हैं, और वहाँ पे 15 वित्तियों का भी पैसा इस ग्राउंड में जाएगा, और इसको सारा मिला के अच्छा छोटा स्टेडियम जो है बच्चों के लिए वहाँ पे ये शुरू होगा। जोत के अंदर हम एक बहुत बड़ा इको टूरिज्म का यूनिट लगाने जा रहे हैं, जहाँ पे फॉरेस्ट की ज़मीन के ऊपर, उसमें भी लोकल बच्चों के लिए बहुत एम्प्लॉयमेंट के नए सोर्स पैदा होंगे। बहुत से ऐसे काम हैं जो करने का प्रयास किया जा रहा है। आज क्योंकि नवरात्र लगे हैं, मैं सुबह बन्नी माता मथा टेकने चला गया था, थोड़ा लेट हुआ, उसके लिए क्षमा चाहूँगा। बहुत पवित्र स्थान और बहुत बढ़िया स्थान के आज दर्शन हुए हैं। मैं आप सबसे यही निवेदन करूँगा कि ऐसा विधायक जो दिन रात आपके लिए लड़ाई लड़ता है, उस विधायक का साथ दीजिएगा, आगे बढ़िएगा। आप सब यहाँ आए, आपने आशीर्वाद दिया।